हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है जीके जीएस से रिलेटेड, ये उसका तीसरा पार्ट है। आप लोग दो पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके बाकी का दो पार्ट भी देख सकते हैं। ये खासकर बीपीएससी का जो टीचर वैकेंसी है उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। ऐसे तो हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा कुछ क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर से लिया गया है और ये वीडियो हिंदी में होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 100 क्वेश्चन तक हो चुका था, आज हम लोग 101 से शुरू करेंगे। तो चूना पत्थर या डोलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि उदाहरण है। तो ये उदाहरण है अवसादी चट्टान का। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, तो सबसे बड़ी लैगून झील है ये चिल्का झील है। ये कहाँ पे स्थित है? ये उड़ीसा में है। यदि ये बोला जाए तो ये बे ऑफ बंगाल के पास में है, क्योंकि क्वेश्चन एक बार ऐसे भी पूछा हुआ था। नर्मदा नदी का उद्गम होता है, तो ये उद्गम होता है अमरकंटक से। ओजोन परत अवस्थित है, तो ये है समताप मंडल में। अगला एंडीज पर्वतमाला उदाहरण है, तो ये है उदाहरण है बलित पर्वत का। और मैं पिछले वीडियो में बताया था एंडीज पर्वतमाला जो है ये साउथ अमेरिका में है और विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, तो याद रखिएगा। रसायन मंडल कहलाता है, तो ये कहलाता है मध्य मंडल। ओजोन परत अवस्थित है, ये फिर से रिपीट हो गया, समताप मंडल में। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग, तो मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है फीला, या फिर इसको हिंदी में तिल्ली भी बोलते हैं। तो ऑप्शन में कोई भी रह सकता है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। मलेरिया रोग का वाहक होता है, तो ये होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया फैलता है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से देख लीजिए। अगला है इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है? तो इंद्रधनुष का बीच का जो रंग होता है ये होता है हरा। चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण चूना का पानी दूधिया हो जाता है। देखिए ये जो वीडियो है ये अभी जब तक एग्जाम नहीं होगा बीपीएससी का, तब तक ये 50-50 का सीरीज चलते रहेगा। तो आप लोग यदि कोई भी जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा रिविजन के तौर पर, क्योंकि इसमें सारा क्वेश्चन जो है ये एक प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है और सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किया गया है। और इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो वो इंग्लिश में ऑलरेडी अपलोड है वीडियो, आप लोग एक बार चैनल पर जरूर विजिट करें। इसका वन लाइनर इंग्लिश में पहले से ही अपलोड है और उसका पीडीएफ भी रेडी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सफ़ेद सोना कहते हैं, सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहते हैं। सबसे बड़ा द्वीप समूह है, तो ये द्वीप समूह है इंडोनेशिया। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। पीत का आतंक कहा जाता है, तो पीत का आतंक जो है ये जापान को कहा जाता है। रेडियो तरंगे प्रावर्तित होती है, तो ये आयन मंडल से प्रावर्तित होती है। हनोई राजधानी है वियतनाम की। सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप है ये एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप है, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये है मेडागास्कर। आप लोग को मैं याद दिलाना चाहूँ तो आप लोग देखे होंगे अफ्रीका का मैप, अफ्रीका के जस्ट राइट साइड में जो है इंडियन ओशन में मेडागास्कर एक आइलैंड है, आप लोग को याद आ गया होगा मैप में, या फिर आपके पास मैप है तो वर्ल्ड मैप में आप देख लीजिए। अंकोर वाट मंदिर स्थित है, तो ये स्थिर है, स्थित कहाँ पर? कंबोडिया में। ऐसे मेरा इंडिया का फेमस जितना भी टेम्पल है उस पर एक वीडियो है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है। वहाँ पे जितना भी फेमस टेम्पल है उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू आते हैं एग्जाम में वो सारा कुछ कवर किया गया है। वैरन आइलैंड कहाँ है? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और आप लोग को याद होना चाहिए वैरन एक ऐसा आइलैंड है जो इंडिया में जो एक्टिव वोल्केनो मतलब एक्टिव ज्वालामुखी का आइलैंड है। सिंधु सभ्यता की लिपि थी, तो ये भाव चित्रात्मक लिपि। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था, तो ये बिंदुसार। बुद्ध ने उपदेश दिया, तो बुद्ध ने उपदेश दिया था कौन सा भाषा में? ये पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, तो बुद्ध धम्म और संघ है। बुद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, तो ये है पीटक। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा, तो वो है जातक। ऐसे तो देखिए यहाँ पे कुछ बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो कवर किया गया, लेकिन आपको पूरा का पूरा इस पर वीडियो चाहिए
ऊपर आई बटन में जाइए, वहाँ पे हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जो भी वीडियो देखना पसंद करें वो आप जाकर देख सकते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड पूरा का पूरा सारा MCQ उसमें कवर किया गया है। चाणक्य, विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्या, अर्थशास्त्र पुस्तक है तो ये है प्रशासन के ऊपर। देखिए यहाँ से आप 3-4 क्वेश्चन बन सकता है। पहला तो क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में बताऊँ, चाणक्य का 2 और अलग अलग नाम था, पहला क्या विष्णुगुप्त और उसके बाद कौटिल्या। एक्चुअली उनका ओरिजिनल नाम जो था वो विष्णुगुप्त ही था, चाणक्य और कौटिल्या के नाम से वो जाने जाते थे। और इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक जो है वो है अर्थशास्त्र। और ये भी पूछा गया है कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये किसके बारे में लिखा, तो ये प्रशासन के ऊपर लिखा हुआ पुस्तक है। तो आप पूरा अच्छे से क्वेश्चन को देख के पढ़िए, इसमें 4-5 क्वेश्चन कवर किया गया है, ताकि कहीं से भी पूछा जाए तो आप उसको कर सकते हैं। और बुक एंड ऑथर पे मेरा ओल्ड बुक एंड ऑथर जितना भी है, हिस्ट्री वाला सब बुक एंड ऑथर, कि बाबरनामा किसने लिखा, अकबरनामा किसने लिखा, तो उस पर वीडियो बना हुआ है, मैं पहले पिछले वीडियो में भी बताया हूँ, ऊपर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप बुक एंड ऑथर का वीडियो देख सकते हैं। हरित क्रांति में विश्व स्तरीय जनक माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। देखिए विश्व स्तरीय, याद रखिएगा हरित क्रांति का ये विश्व स्तरीय जनक माने जाते हैं, लेकिन यदि हरित क्रांति का जन्मदाता भारत में पूछा जाए तो ये MS स्वामीनाथन को माना जाता है। दोनों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़िएगा एग्जाम में, फिर कीजिएगा। यदि पूछा जाए वर्ल्ड में किसको बोला जाता है हरित क्रांति के जनक, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन। नीचे यहाँ पे मैं अच्छे से दिखा दे रहा हूँ, देखिए MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है। तो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ के उसके बाद टिक कीजिएगा, नहीं तो क्या होता है कभी कभी आसान क्वेश्चन भी गलत टिक होके आ जाता है। अगला, हरित क्रांति के जनक देश, अब पूछा गया देश कौन सा, तो ये फिलीपींस। हरित क्रांति में सबसे प्रभावित फसल, तो ये प्रभावित फसल है गेहूँ, मतलब सबसे ज़्यादा हरित क्रांति से गेहूँ का पैदावार में वृद्धि हुआ है। गोल क्रांति संबंधित है, तो ये संबंधित है आलू से। ऐसे ये जितना भी आप क्रांति देख रहे हैं, गोल क्रांति, ये क्रांति मतलब येल्लो क्रांति, सुनहरी क्रांति, इस पर भी पूरा वीडियो है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ से जा के आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो गोल क्रांति ये आलू उत्पादन से है, सुनहरी क्रांति जो है ये फल उत्पादन से है, रजत क्रांति जो है ये अंडा उत्पादन से है, और श्वेत क्रांति जो है ये दूध उत्पादन से है। तो याद रखिएगा, एक श्वेत क्रांति से एक क्वेश्चन आता है ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड जो है ये श्वेत क्रांति से ही संबंधित है। आगे देखते हैं, कृष्ण क्रांति का संबंध है, तो कृष्ण क्रांति का जो संबंध है ये है पेट्रोलियम से, और बादामी क्रांति का संबंध है ये है मसाला उत्पादन से, ब्राउन क्रांति का संबंध है ये गैर परंपरागत ऊर्जा से, लाल क्रांति का जो संबंध है ये मांस एवं टमाटर से है। जितना भी देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा था उसको मैं यहीं पे लिख दिया हूँ, ऐसे पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ऊपर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें लगभग 40-50 ऐसा क्वेश्चन कवर किया गया है, वो आप देख सकते हैं। नीली क्रांति ये मत्स्य पालन से संबंधित है, पीली क्रांति जो है ये है तिलहन उत्पादन से संबंधित, और गुलाबी क्रांति जो है ये झींगा उत्पादन से, ये झींगा एक टाइप का मछली तो नहीं होता है लेकिन मछली के रूप में ही लोग इसको खाते हैं, झींगा मछली, प्रॉन बोलते हैं इसको, ये खासकर कोस्टल एरिया में, समुद्र में होता है, कोस्टल एरिया में ये खाते हैं। तो अगर आप लोग खाते होंगे तो आप लोग को पता होगा झींगा मछली के रूप में ही खाते हैं, छोटा छोटा एक रहता है, कीड़ा जैसे ही रहता है। भूरी क्रांति संबंधित है, तो ये संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। लाइन प्रिंटर की गति की इकाई है, तो ये है लाइन प्रति मिनट। लोटस है, तो लोटस क्या है, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है, तो डबल रोटी बनाने में क्या प्रयोग होता है, तो ये प्रयोग होता है ईस्ट का। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है, तो ये कहलाता है इगुलिना।
ये सब नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। ये सब जो पूछा हुआ ये BPSC SSC ये सब में पूछा हुआ रहता है और वहाँ पे छूट जाता है ये सब क्वेश्चन। अर्थशास्त्र का जनक, तो अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है एडम स्मिथ को। ये था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और इसका आप लोग को PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका PDF भी लेकर आऊँगा। और ये सीरीज चलते रहेगा जब तक कि आपका BPSC टीचर्स का एग्जाम नहीं होगा, तब तक ये सीरीज चलते रहेगा। तो आप लोग डेली एक वीडियो अपलोड होगा, आप लोग डेली एक बार इसको रिवाइज कीजिए ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम GK GS से नहीं होगा। और आप लोग को करेंट अफेयर्स का वीडियो चाहिए तो वो भी वीडियो आएगा, एग्जाम से कुछ दिन पहले उसका वीडियो आएगा। टोटल जो करेंट अफेयर्स होगा उसमें लगभग 500 कवर किया जाएगा, वो सारा एक ही वीडियो में मैं करवा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।